दोस्तों बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी जल्द ही अक्षय कुमार और यामी गौतम स्टारर फिल्म OMG 2 में दिखाई देने वाले हैं और बीते दिनों फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज किया गया था जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। हालांकि कई लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है और अब चल रहे विवाद को लेकर पंकज त्रिपाठी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है और पंकज त्रिपाठी ने दर्शकों से आग्रह किया है कि वे उनकी आगामी फिल्म ओ माई गॉड 2 के बारे में जो लिखा जा रहा है उस पर विश्वास बिल्कुल भी न करें। देखिए अक्षय कुमार द्वारा निर्देशित ये फिल्म तब से ध्यान खींच रही है जब रिपोर्ट में दावा किया गया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी कि CBFC ने OMG 2 को प्रमाणित करने से इनकार कर दिया है और कथित तौर पर रिलीज होने के बाद विवाद से बचने के लिए फिल्म को रिव्यू समिति के पास भेजा गया है। देखिए ओ माई गॉड 2 अक्षय कुमार और परेश रावल की 2012 की फिल्म ओ माई गॉड का सीक्वल है, लेकिन दरअसल पिछले हफ्ते रिपोर्ट में दावा किया गया कि सेंसर बोर्ड की रिव्यू टीम समिति यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ओ माई गॉड 2 के डायलॉग्स और सीन्स कोई समस्या पैदा ना करें। और पंकज त्रिपाठी ने जूम टीवी से कहा कि मैं बस इतना ही कहूंगा कि कृपया फिल्म के बारे में जो लिखा जा रहा है उस पर आप विश्वास बिल्कुल ना करें और लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं लेकिन सच्चाई सामने बहुत जल्द आ जाएगी और जब फिल्म रिलीज होगी तो आप सबको पता ही चल जाएगा कि इस फिल्म को फ्लॉप कराने की ये सब साजिशें थी। देखिए पंकज त्रिपाठी ने ये भी कहा कि ये सब झूठ है कि गंभीर फिल्में अधिक चुनौतीपूर्ण होती हैं। उन्होंने कहा कि एक हल्की फुल्की कॉमेडी करना भी उतना ही कठिन है। देखिए कॉमेडी के साथ एक अभिनेता को पता नहीं होता कि दर्शक आखिरकार उस पर हंसेंगे या नहीं और शूटिंग के दौरान हमें ये सीन से हंगामेदार लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस सीन से आपकी ऑडियंस भी उतना ही रिएक्शन देगी और उनकी राय हमारी राय से बिल्कुल अलग होती है और यही सच्चाई है। बाकी दोस्तों 11 अगस्त को तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा कि इस फिल्म में किस तरीके के डायलॉग यूज किए गए हैं और क्या इस मूवी में भी हिंदू धर्म और देवी देवताओं का मजाक बनाया गया है नहीं। बाकी दोस्तों ओ माई गॉड 2 को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।